अभी 9000 प्रोजेक्ट पूरी हुए, पिछले वित्तीय वर्ष में 92,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट हमने पूरे किए। यही वो जम्मू कश्मीर है जहाँ 6 किलोमीटर सड़क रोज बनती थी, आज हम 15 किलोमीटर पर 30 सड़क बना रहे। यही वो जम्मू कश्मीर है जहाँ 2,500 मेट्रोमाइजेशन होना था, 8,000 किलोमीटर और ये अनेक जिस भी पैमाने पर आज जम्मू कश्मीर पाते हैं, हेल्थ पैरामीटर्स की मैं बात करूँ तो नेशनल लेवल में हमारे ई गवर्नेंस याद 28 अक्टूबर 2003 इसी साल में आया था। उस समय की चीफ सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि बिना पढ़े लिखे बिना सबसे जाने, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पिछले 3 वर्ष में 30,000 लोगों को नौकरी दी है और गत वर्ष आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष दी गई आंकड़े के साथ में जिम्मेदारी के साथ में। एक व्यवस्था खत्म हो गई, अब किसी की सिफारिश पर किसी को नौकरी नहीं मिलती, योग्यता होगी तो मिलेगी नहीं तो नहीं मिल सकती है, उसे कोई नहीं दे सकता। इस व्यवस्था से तकलीफ है लोगों को, जिन लोगों ने योग्यता को परिश्रम को कभी महत्व नहीं दिया उनको तकलीफ हो रही। और मैं आज कहना चाहता हूँ माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए यही व्यवस्था कायम रहने वाली है, दूसरी व्यवस्था यहाँ कायम नहीं हो सकती, योग्यता के आधार पर ही नौकरी मिले। उदाहरण रहा हजारों परिवार पीढ़ियों से सफाई का काम तो करते थे लेकिन सरकार में नौकरी नहीं था, उनकी आकांक्षा उनके सपने भेदभाव की व्यवस्था की वजह से कैद कर दिए गए। ठीक कहा माननीय मंत्री जी ने कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र ने पूरे देश की फिजा बदल दी है और मैं समझता हूँ कि देश के गरीब लोग विशेष रूप से स्थिति में बड़ा बदलाव पिछले 9 वर्ष में आया और ये केवल नारा नहीं रह गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे साकार रूप से परिवर्तित करने में भी मैं मानता हूँ कि एक बड़ी सफलता है। हर व्यक्ति को टूल किट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी, 3 लाख रुपए का ऋण बिना किसी कोलेट पर गारंटी के मिलेगा और जो प्रशिक्षण दिया जाएगा प्रतिदिन 500 रुपए उनको प्रशिक्षण के दौरान भी दिए जाएंगे। मुझे लगता है कि 18 परंपरागत कौशल से जुड़े हुए 18 किस्म के लोगों को, सुनार हों, राजमिस्त्री हों, कपड़े धोने वाले हों, बाल काटने वाले हों, जूता सीखने वाले हों, इस तरह के सभी लोगों को आज विश्वकर्मा भगवान की जयंती पर विश्वकर्मा योजना का लाभ मिलेगा और मोटा मोटी 13 से 15 हजार करोड़ रुपए इस योजना की शुरुआत आज हो रही है। मैं मानता हूं कि इतिहास का ये एक महत्वपूर्ण क्षण है, आवाम के सभी शिल्पकारों को हस्त कौशल के प्रति उनकी अनुकरणीय प्रतिबद्धता एवं समर्पण के मैं नमन करता हूं। अत्यंत सहज तरीके से अपनी रचनात्मकता और कड़ी मेहनत के द्वारा उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की और उनका पूरा जीवन पूर्णता की साधना में लगा हुआ। योजना पर ढंग से नौजवानों को शिकार बनाते ताकि उनके हाथ में बंदूक और पत्थर, ये अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मित्रों, विकास की पहली अनिवार्य और अपरिहार्य शर्त है शांति। शांति नहीं रहेगी कोई विकास नहीं हो सकता और इसमें यहाँ उपस्थित सभी लोगों से मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है, पुलिस का फोर्स का अपना एक कार्य अपना अलग काम लेकिन समाज की भी एक जिम्मेदारी। दुनिया के किसी हिस्से में विकास नहीं हुआ जहाँ अशांति रही और जिन लोगों ने अशांति फैलाने में यहाँ योगदान किया, यकीन मानिए ये कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर विदेशों में अपना घर बनाए हुए हैं, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के गरीब आदमी को तकलीफ हुई है और जब भी इस तरह की स्थिति पैदा होगी गरीब आदमी को 1,88,00,000 टूरिस्ट पिछले साल आया, इस साल 31 अगस्त तक 1,52,00,000 टूरिस्ट आ चुका है, मैंने 2.25 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आने वाला। लाभ किसको मिला? ऑटो रिक्शा वाले को, टैक्सी वाले को, सिकारा वाले को, हाउस बोट वाले को, रेहड़ी वाले को, होटल वाले को, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का जो काम करते हैं उनकी बिक्री बढ़ी, ये कॉमन मैन इससे लाभान्वित हुआ लेकिन उनको इसमें भी तकलीफ हो रही।
जब हम फैसला करते हैं कि ऐसा गरीब आदमी जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है और उसके पास जमीन नहीं है, तो उसको हम सरकारी तौर पर 5 मरला जमीन देंगे, तो इनके पेट में दर्द होता है। और मैं आज कहना चाहता हूं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ही सूत्र है कि शासन की पहली प्राथमिकता गरीब आदमी होना चाहिए, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो समाज से निश्चित रूप से निचले तबकर है, उस प्राथमिकता उनके। और वही प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, वही जम्मू कश्मीर शासन की प्राथमिकता है। तो हम उनके लिए भी सेल्फ ग्रुप बना करके उन्हें इम्पावर करने की हमने